हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी निजी रूप चैनल पर। तो दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यहाँ पर हरियाणा से, खुशखबरी आ रही है सभी जिलों से। आपको बता दे हरियाणा में क्या है खुशखबरी, जाने की खबर को विस्तार से आपको बता दे। सबसे पहले आपको बता दे, हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा में 15,732 केस हो चुके हैं, वहीं 223 नए केस आए हैं और 55 को मिली है अस्पताल से छुट्टी। प्रदेश भर में 4,407 केस मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा में 223 मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 15,732 पर पहुंच गई है। वहीं 58 मरीज की हालत नाजुक है, इनमें से 40 ऑक्सीजन पर हैं तो 18 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। इस समय की बात करें हरियाणा में 4,407 एक्टिव मरीज मौजूद हैं कोरोना के, वहीं 55 मरीज ठीक होकर आज घर लौटे हैं 24 घंटे में। अभी तक कुल 11,074 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा के लिए खुशखबरी है, 11,000 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज हरियाणा में ठीक हो चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा आपको बता दें हरियाणा के गुड़गांव में 80 मरीज कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं आज। सोनीपत में 46, रेवाड़ी में 38, रोहतक में 15, पानीपत में 14, पलवल में 7, सिरसा में 7 और वहीं चरखी दादरी की बात करें 6, झज्जर में 5, नू में 4, जींद में 1 पॉजिटिव मिला है। और वहीं आपको बता दें ठीक होने वालों में सबसे ज्यादा रेवाड़ी जिले में है, 18 ठीक होकर घर गए हैं। पानीपत में 10, यमुनानगर में 9, पलवल में 7, नू में 5, जींद में 3, झज्जर में 3 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। और आपको बता दें गुड़गांव में होम क्वारंटाइन मरीजों को खुद सुबह शाम बुखार खांसी जुखाम चेक करें रखना होगा रिकॉर्ड। आपको बता दें, जी हाँ आपको बता दें, प्रदेश में अनलॉक 2 का आज तीसरा दिन है। जनजीवन सामान्य हो रहा है लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ते मरीजों के कारण अब गुड़गांव और फरीदाबाद में मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में होम क्वारंटाइन मरीजों को 10 दिनों तक खुद ही रोज सुबह शाम अपना तापमान, खांसी जुखाम, पल्स रेट, गले की खराश से जुड़ी जानकारी एक बुकलेट में भरनी होगी। 10 दिन के बाद इस बुकलेट को देखकर डॉक्टर निर्णय लेंगे कि पीड़ित का दोबारा टेस्ट किया जाए या नहीं। वहीं आपको बता दें जिला स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर जय प्रकाश का कहना है कि ये बुकलेट ऐसे मरीजों को जल्द मिल जाएगी। तो जी हाँ बहनों, आप सभी के लिए खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।